बॉलीवुड के किसी भी यंग हीरो की एक ही तमन्ना होती है और वो है आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन या फिर अक्षय कुमार जैसी पॉपुलैरिटी पाना या फिर उन्हें पीछे छोड़ देना। ये वो एक्टर्स हैं जो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं एंड आर स्टिल द हाई रैंकिंग गाइज एट द बॉक्स ऑफिस बिकॉज ऑफ द नंबर्स दे हैव टर्नड आउट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के तीन नए एक्टर्स ऐसे हैं जो फिलहाल इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह खान ट्रायोज या ऋतिक रोशन, अजय देवगन या अक्षय कुमार की तरह हिट हो जाएं। इनके नाम हैं रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और इमरान खान। जी हाँ, अब ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में नए तो नहीं हैं, पर कंपैरेटिवली यंगर हैं और इन तीनों ने एक बात रियलाइज कर ली है कि आमिर, सलमान और शाहरुख की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कई सारी ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्में की हैं जिससे इंडिया ने कनेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान की वॉन्टेड और दबंग, शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और आमिर खान की सरफरोश कुछ ऐसी फिल्में हैं जिससे सिर्फ अर्बन ऑडियंस ने नहीं गांव और छोटे शहरों के लोगों ने भी कनेक्ट किया और इसीलिए इतनी मास पॉपुलैरिटी ये तीनों स्टार्स एंजॉय करते हैं। और अब क्योंकि रणबीर, शाहिद और इमरान ने ये बात समझ ली है, दे आर फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स और इसीलिए रणबीर कपूर करने वाले हैं एक फिल्म जिसका नाम होगा बेशरम। शाहिद कपूर ने चूज किया है एक फिल्म में काम करना जिसका नाम होगा नमक और इमरान खान एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है मटरू की बिजली का मंडोला, जिसमें वो एक हरियाणवी बने हैं। और ये सारी फिल्में मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, ना कि सिर्फ अर्बन या मेट्रोपॉलिटन ऑडियंस के लिए। और ये फिल्में करके इन तीनों हीरोज की यही इच्छा है कि किसी तरह से उतनी पॉपुलैरिटी पा जाएं जितनी कि उनसे बड़े एक्टर्स एंजॉय करते हैं। लेट्स होप कि जिस तरह का सक्सेस गजनी ने आमिर खान को दिया, दबंग ने सलमान खान को दिया, चक दे इंडिया ने शाहरुख खान को दिया, राउडी राठौर ने अक्षय कुमार को दिया, अग्निपथ ने ऋतिक रोशन को दिया और सिंघम ने अजय देवगन को दिया, उसी तरह का सक्सेस रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और इमरान खान को भी मिल जाए।